हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्यूशन जोन बाय अंशिका। आज हम एक्सरसाइज 10.2 क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। 2 तक मैंने आपको क्वेश्चंस करवा दिए हैं, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में लेके देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। इफ़ टेंजेंट्स PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P, ये देखिए PA एक टेंजेंट और दूसरी टेंजेंट PB, ये एक P पॉइंट से एक सर्कल के सेंटर पे जा रही है विद द सेंटर O, ये रहा हमारा सेंटर O, आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल 80 डिग्री। ये दोनों जो टेंजेंट हैं वो आपके कहाँ पे हैं, इंक्लाइन कहाँ पे पड़ रही हैं, ये 80 डिग्री एंगल पे, ठीक है। देन एंगल POA इज इक्वल टू, आप बताइए POA ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, 50 के, 60 के, 70 के या 80 के। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले तो हमें ये बताना होगा कि PA और PB टेंजेंट्स हैं। अगर वो टेंजेंट हैं तो हम बोल सकते हैं कि ये वाला एंगल क्या होगा हमारा, 90 डिग्री, ये वाला और ये वाला। ऐसा क्यों होगा, ये देखिए, ये आपका 10.2 स्टार्ट होने से पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट कराया था द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, ठीक है। वो इन्फिनाइट लाइन पे अगर पड़ता है तो वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये देखिए एक इन्फिनिट लाइन है जा रही है, उसके ऊपर पड़ना। ये डायग्राम के हिसाब से भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जब दो टेंजेंट्स पड़ती हैं तो इनकी जो रेडियस होती है, सेंटर से जो रेडियस हम इनके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, कितने डिग्री का हो जाता है वो, 90 डिग्री। तो वैसा ही मैंने यहाँ पे भी आपको बताया है, ये कितने हो गए, 90 डिग्री, ठीक है। तो पहले तो हमें इसका रीज़न ये लिखना पड़ेगा यहाँ पे कि OA परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, PA के ऊपर, ठीक है। OA परपेंडिकुलर PA के ऊपर है और वैसे ही OB परपेंडिकुलर है PB के ऊपर। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कि OB इज़ परपेंडिकुलर ऑन PB, ठीक है। इस वजह से हम बोल सकते हैं कि एंगल OBP इक्वल टू हमारा 90 डिग्री एंगल है, और वैसे ही OAP ये भी हमारा क्या हो गया, 90 डिग्री एंगल, ठीक है। अब आप देखिए, ये जो 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है और ये क्या है, 80 डिग्री है। तो आप अगर इस पूरे का एंगल निकाल लो और उसका क्या कर देंगे, हम हाफ़ कर देंगे, तो O की वैल्यू निकल आएगी हमारी। इन सब का वैल्यू तो हमें 3 का तो पता है, 4 का निकालने के लिए इक्वल टू 360 करेंगे, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटर है, चतुर्भुज है। चलिए लिखते हैं, इन AOBP, इसमें हम बोल सकते हैं कि एंगल OAP प्लस एंगल OBP और प्लस, ये दो तो हमने कर लिया, अब ये वाला एंगल भी तो है, APB या फिर BPA, एंगल APB और एक एंगल हमारा OB तो होगा, तो हम लिखेंगे P तो नहीं लिख सकते, AOB है ना, AOB, और इनका सम करने पर हमारे क्या आएगा, 360, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटर है। OAP देखिए, OAP क्या वैल्यू इसकी, 90 डिग्री। OBP इसकी वैल्यू भी क्या है आपकी, 90 डिग्री, प्लस एंगल APB इसकी वैल्यू क्या है, 80, जैसा कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। प्लस AOB क्या इसकी वैल्यू आपको मालूम है, अगर नहीं मालूम है तो हम भाव का वो रख देंगे, 360 डिग्री, ठीक है। 90, 90, 180, 180 और 80, 260, ये आ गया आपका 260, प्लस एंगल AOB यहीं रहेगा, 360, एंगल AOB यहीं रखेंगे और शिफ्ट किसे करेंगे, 260 को, 260, एंगल AOB इक्वल टू हमारा क्या निकलेगा, 100 डिग्री, है ना। हमने अभी सिर्फ इस पूरे वाले एंगल को निकाला है, हमने उसका हाफ नहीं निकाला है अभी, ठीक है। और हम सीधा हाफ क्यों नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि अभी हमें ये एंगल जो है, ये जो पूरा एंगल है, उसको बीच में से कट करते हुए, बाइसेक्ट करते हुए PO को नहीं बताया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको प्रूव करना पड़ेगा कि ये दोनों बराबर हैं, इक्वल हैं ये वाले पार्ट्स, ठीक है। यहाँ पे मैं इसका स्टार्ट करती हूँ। इन OPB ट्राइंगल, यानी कि एक ये ट्राइंगल ले लेंगे और एक ये ट्राइंगल ले लेंगे, अगर इन दोनों ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट कर दें कॉन्ग्रुएंसी रूल से, तो फिर हम बोल सकते हैं कि इसके ये एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, CPCT रूल से, जैसा कि आपने ट्राइंगल वाले चैप्टर्स में पढ़ा था। तो
इन ओपीबी एंड ओ बी, ठीक है इसका हो गया, और ये वाला एंगल ले लेते हैं ट्राइंगल ओ पी ए, ठीक है इन दोनों को हमने लिख दिया। अब इसमें हम प्रूव करेंगे कि ये कॉन्ग्रुएंस है। पहले तो ए पी, ये देखिए ए पी टेंजेंट और बी पी टेंजेंट क्या है, इक्वल है, क्योंकि टेंजेंट हमेशा इक्वल रहती है बी पी, ठीक है ये दोनों इक्वल है। रीजन हम लिख देंगे टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट, क्या रीजन है इसका, टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट, इसलिए ये दोनों इक्वल होंगी, सेम पॉइंट ही तो है, पी, पी से ही पी ए निकली है और पी से ही पी बी निकली है, ठीक है। और आपको यहाँ पे सेम दिख रहा होगा ओ ए इक्वल टू ओ बी, क्योंकि एक ही सर्कल की दो रेडियस है, ये देखिए ओ ए, सॉरी ओ ए और ओ बी, तो हम यहाँ लिख देंगे रेडियस ऑफ अ सर्कल, ठीक है ठीक है। दो तो हमने साइड प्रूव कर दी, अब आपको दिख रहा होगा ओ पी ओ पी, ये जो है लाइन कॉमन है इसमें, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कॉमन लाइन, ठीक है यहाँ पे लिख सकते हो आप लाइन कॉमन लाइन है ओ पी ओ पी, इस ट्राइंगल की भी साइड है वो और इस साइड, इस ट्राइंगल की भी साइड है, ठीक है। इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ओ पी बी कॉन्ग्रुएंस है ओ पी ए के, ये वाले दोनों कॉन्ग्रुएंस है। कौन से रूल से होंगे ये, साइड साइड और साइड, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे एस एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है ये हमने पूरा कर लिया। तो अब सी पी सी टी रूल से हम क्या बोलेंगे पी ओ पी, या फिर हम बोल सकते हैं पी ओ बी, पी ओ बी इक्वल है किसके, पी ओ ए के, पी ओ ए के। और कौन सा है ये रूल हमारा, क्या लगाएंगे हम सी पी सी टी रूल, सी पी सी टी रूल क्या होता है आपका, कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंस पार्ट, ठीक है ये दोनों इक्वल कर दिए हैं। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि जब ये दोनों इक्वल हैं तो पी ओ ए, ये जो इतना सा पार्ट है, ये देखिए ये वाला जो है यहाँ पे, तो ये क्या पी ओ ए ओ बी का हाफ नहीं होगा, होगा ना ए ओ बी का हाफ होगा ए ओ पी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल पी ओ ए, पी ओ ए ये ना हाफ है पूरे एंगल का, क्योंकि ये दोनों इक्वल पार्ट हैं, अगर ये 50 है तो ये भी 50 होना चाहिए ना, ठीक है तो मैं यहाँ पे लिखूँगी हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी, ये हाफ है पूरे एंगल का, ठीक है। अब हाफ ए ओ बी ये हमने फाइन किया था यहाँ पे देखिए 100 डिग्री, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 100 डिग्री, ठीक है और एंगल पी ओ ए सामने ही है, एंगल पी ओ ए यहीं रहेगा और इससे ये कट हो जाएगा, कितना आएगा आपका 50 डिग्री। इस तरीके से हमने पी ओ ए, ये देखिए पी ओ ए की वैल्यू फाइंड कर ली, क्या है 50 डिग्री, ऑप्शन में आपको दिख जाएगा ए नंबर पे। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को पूरा वीडियो समझ में आया होगा, अगर आपको पूरा वीडियो समझ में आया है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।